तनु सर मेरे लिए सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो एक गुरु भी है। जो उनका डेडिकेशन था फर्स्ट डे पे, आज शायद उसका दुगना है। कभी कभी ये होता है कि आदमी सपना देखता है, उसके बाद फिल्म बनते बनते वो जो जुनून है थोड़ा कम हो जाता है। मैंने देखा है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि एक शख्स का जुनून हर दिन बढ़ता ही गया। तो उस चीज़ पर मैं सर को कंग्रेचुलेशंस कहूँगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। पहली मर्तबा जब हम मिले, सर ने सिर्फ मुझे क्लाइमैक्स सुनाया, और मैंने ज़िंदगी में इतनी जल्दी किसी फिल्म को हाँ नहीं किया। तो वो क्लाइमैक्स सुनने के बाद मैंने सर की तरफ देखा, सर की आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में आंसू थे, और फिल्म वहीं साइन हो गई। तो यू कैन अंडरस्टैंड द ऑनेस्टी एंड द लव बिटवीन अस एंड द बिलीफ आई हैव इन दिस प्रोजेक्ट। दशमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट प्रोजेक्ट्स, और दशमी के बनाने का जो मकसद है वो इतना सीधा है, इतना सरल है, इतना गहरा है कि आई एम श्योर कि अगर ऑडियंस जाके इस फिल्म को देखे तो ज़रूर बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट होंगे। तो थैंक यू टू सर फॉर मेकिंग दिस फिल्म, एंड थैंक यू टू सर फॉर थिंकिंग अब अ स्टोरी सो डीपली रूटेड इन इंडिया। ये हिंदुस्तान की कहानी है। मैंने सर से पहली बार तो ये सीखा कि कोई भी एक्टर डायरेक्टर से ज़्यादा उस कैरेक्टर को नहीं समझ सकता। हर एक छोटे से शॉट से पहले सर बुला के जो इंस्ट्रक्शन देते वो काबिल-ए-तारीफ। सर का जो पेशेंस है एक्टर्स के साथ, मैंने एक चीज़ देखी है कि एक्टर तभी अपना 100% देता है जब उसको लगता है कि डायरेक्टर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सर ने हमें इतना प्यार दिया है, सर ने हमें इतनी इज्जत दी है, सर ने हमें इतना सम्मान दिया कि हमने इस फिल्म को सब कुछ दे दिया। और पहली बार मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि आई डोंट थिंक वी कुड हैव गिवन मोर टू दिस फिल्म। हमने इस फिल्म को सब कुछ दिया है, अब ऑडियंस मालिक है, वो तय करेंगी कि फिल्म का क्या होगा और फिल्म की क्या डेस्टिनी है। पर आई नो दैट सर ने ये फिल्म बना के ऑलरेडी इस फिल्म को सक्सेसफुल कर दिया। जो सपना था उस हिसाब से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि दिस फिल्म इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल। सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं जुड़ा हूँ इस फिल्म से, धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई और फिल्म के कुछ पार्ट मैंने देखे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। और शांतनु जी ने इतने सेंसिटिव मैटर को इतने प्यार से हैंडल किया है कि आपको जब आप फिल्म देख के हॉल से निकलेंगे तो ये मेरा दावा है कि मतलब एक थॉट लेकर और कुछ सोचते हुए घर तक जाएंगे। ये सिनेमा आपके साथ आपके घर तक जाएगा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा मैटर है कि इसमें हल्की सी भी गुंजाइश है कि आप बहक सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी इस बात के लिए सच में मैं तारीफ करूंगा कि ऐसे मुद्दे को इतने साफ सुथरे तरीके से बनाना, ये इन्हीं की सोच है। सैल्यूट है इस बात के लिए दशमी के लिए हमारे डायरेक्टर। इंग्लिश this is a dream come true project. So this is a dream come true project for us, right? So a couple of years back when I heard about this storyline that Shantanu ji was putting together, right? And that really excited me. I should do something, right? And this is talking about, the film is all about the reality, right? Portraying the reality and bringing it to the audience. And so we feel that this is going to be something that talking about what is pragmatic that is happening in this country, right? And that is one of the things that really excited me to contribute and be participative in this particular project. And I think the whole team has put in a lot of effort, right, in the last 1.5 years. I think by January 12th we'll see all this in the theaters. Then we look forward to the audiences. Sorry, say that again. As a producer, how much is it important to back this kind of project?
Yeah, so I mean, this is a very the storyline is what is going to be the creating the impact in the industry, right? The storyline is what is going to create the impact in the industry, right? And it is something like stocks about every Indian. It's more patriotic and also is very personal to each and every Indian in this country, right? And that's why this is going to be very personal to all of us, right? So you live in America. Are there any plans to international level? Yeah, we do have plans. So after January 12th, we would like to see how the movie is going, and we definitely have plans to take it to America and other countries. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Shabbir Ahmed, music director. So Shabbir Ahmed. सर वो तो अभी हम लोग ने मेहनत करी है, हर कोई अपनी चीज़ को अच्छी बोलता है कि यार मेरी चीज़ अच्छी है, तो हम लोग ने मेहनत किया, बाकी तो आप लोग के हाथ में है, क्योंकि सारा सर्वो सर्वा आप लोग हो, आप लोग खुद देखिए समझिए हम लोग ने कितना मेहनत करी है इस पिक्चर के लिए, और हमारे डायरेक्टर जो है शांतनु सर ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म के लिए, और एक एक सीन कि हम लोग किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, कोई विवाद ना हो, कोई वो ना हो, और हर चीज़ जो आज के हिसाब से माहौल के हिसाब से फिल्म की डिमांड और सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए गाना बनाया गया, बाकी तो ऑडियंस के हाथ में, शाज भट्ट ने गाया है, अनीस ने गाया है, वरदान भाई सब जितने मजे हुए एक्टर हैं सब इसके अंदर हैं, तो अभी आप लोग गाना देखिए उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कैसा है। ये चीज़ बोलना चाहूँगा, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ही इज द सोल ऑफ द फिल्म, द म्यूजिक इज द रियल सोल ऑफ द फिल्म। थैंक यू सर फॉर सच अमेजिंग सॉन्ग। क्या मतलब आप सुनेंगे म्यूजिक, आप सुनिए देखिए और फिर बताइए। अभी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शांतनु सर का, शब्बीर भाई का एंड वरदान जी, हमारा ये प्रोड्यूसर सर, मैं चाहता हूँ एक बार ये जोरदार तालियां हो जाए गाइस आज की इस टीम के लिए, और आप लोग बहुत खुश होने वाले हो ये ट्रेलर देख के, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे, एंड गाना तो मैं अभी गाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ट्रेलर में चाहता हूँ आप लोग पहले इसकी झलक देखें, एंड बस मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, और इतनी प्यारी फैमिली, इतनी अच्छी टीम है, तो बहुत खुशी है कि इनके साथ काम कर रहा हूँ, एंड वरदान जी के साथ में मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है ये, इनके साथ में पहले भी एक गाना करा था, और शब्बीर भाई तो मैं इनके लिए क्या कहूँ, ही इज़ अ वंडरफुल सोल, वंडरफुल पर्सन, जिनके साथ मुझे इतनी खुशनसीबी है कि मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करना चाहता हूँ, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस वॉइसेस इन द कंट्री राइट नाउ। थैंक यू, लव यू, लव यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शी इज ऐश्वर्या, ऐश्वर्या शी हैज अ ग्रेट रोल इन द फिल्म, क्या बात, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट, यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, हम लोगों ने सबने काफ़ी मेहनत करी है, हाँ काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार इस फिल्म के लिए, हम लोगों ने सबने काफ़ी मेहनत करी है, शांतनु सर ने, सारे कास्ट ने, तो अब फाइनली धीरे धीरे हम करीब आ रहे हैं रिलीज डेट के, ये फिल्म ऐसी है जिससे हम लोगों की रूह भी जुड़ी हुई है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल स्टोरी, सो आप लोगों की दुआएँ चाहिए, और बस बहुत जल्दी ये सिनेमा घरों में आने वाली है, आज गाना लॉन्च होने वाला है, एंड आई एम होपफुल कि आप लोगों को सबको ये गाना उतना ही अच्छा लगेगा जितना हम लोगों को लग रहा है, बस दैट्स व्हाट इट इज़, थैंक यू। जी जी नहीं भाई, बहुत ही बढ़िया गाना है, और जनरली म्यूज़िक का जो रहता है जो फिल्मों में देते हैं उसका कुछ ना कुछ स्टोरी से भी लेना देना रहता है, जो गाना होता है उसका स्टोरी से लेना देना होता है, तो ये बहुत पावरफुल गाना है, और इस गाने की बहुत इंपॉर्टेंस जगह है फिल्म के अंदर,
तो बस अभी मैं भी उतना ही बेताब हूँ आप लोगों के साथ इस गाने को देखने के लिए बड़े पर्दे पर, और फिल्म तो वाकई में आने ही वाली है बड़े पर्दे पर. सो या जस्ट वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. थैंक यू. कि हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं इस गाने के ऊपर और ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है पूरे फिल्म में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और हम बहुत दिल से चाह रहे हैं कि जो हमने जिस म्यूज़िक पर यू नो इन्जॉय किया है, ग्रूव किया है और बहुत बहुत स्पेशल है, तो वो आप सब तक पहुँचे और आप लोगों को भी पसंद आए. तो जब आप देख लें तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा. थैंक यू. एंड मैं एक बहुत प्यारा किरदार कर रही हूँ इस फिल्म में. आप लोग आई एम श्योर सब एक्साइटेड होंगे इस गाने के लिए. इस गाने में इतना इमोशन है, इतना जुनून है. आई थिंक मेरा भी ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द हिस्ट्री ऑफ सॉन्ग्स इन बॉलीवुड है. एंड आई होप आप लोग को ये गाना, ये आने वाला टीज़र और हमारी फिल्म बहुत बहुत पसंद आए. सो या दैट्स अबाउट इट. आर यू ऑल एक्साइटेड? बहुत ही ब्यूटीफुल. ये मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म है एंड आई थिंक द एंटायर टीम वॉज सो नाइस, सो हेल्पफुल. फ्रॉम द डायरेक्टर टू माई को एक्टर, सब ने इतनी मेहनत करी, इतना हेल्प किया. आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. ये है फिल्म काफ़ी सीरियस, लेकिन हमने इतने प्यार से और इतने मिलजुल कर सब ने साथ में मेहनत की है, तो आई थिंक वो दिखेगा. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है. थैंक यू सो मच. बाय बाय.